नमस्कार बच्चों, मैं राजीव द्विवेदी आज केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूँ। और मेरा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। बच्चों आप जानते होंगे केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के रूल को फॉलो करने के लिए हमें एक रूल है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करना पड़ता है और इसको फॉलो करते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीकों से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। आप देखिए, एक हम एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहे हैं। देखिए, हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, ये है फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यानी ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसके दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम हैं वो राइट हैंड साइड के एटम के बराबर होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 4+2=6 और 4 ना होकर के यहाँ 2+5=7 है। तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए आप, यहाँ फास्फोरस 4 है। आप दोबारा देखिए, यहाँ पर फास्फोरस 4 है और यहाँ पर फास्फोरस 2 है। तो हमें यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और याद रखिए कि कंपाउंड हो या एटम हो, उसके पीछे ही नंबर लगाते हैं, कंपाउंड और एटम के पीछे ही नंबर लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होकर के ये 4 बन गया और ये 4 बन गया। अब बात आई ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन अब 10 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हम 5 लगा कर कर इसे 10 बना सकते हैं। तब यहाँ पे भी 10 हो गई और यहाँ पर भी 10 हो गई। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी। वो कैसे बनी आप देख लीजिए, P4+O2 गिव्स आउट P2O5। यानी यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 5 हैं। अब देख लीजिए दोनों साइड हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर हो गए 4+10=14, यहाँ पर 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करा तो ये हो गए 10=14। तो आप देख लीजिए 14=14 और हमारी जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से अब बैलेंस हो गई है। तो एक बार फिर हम इसको लिखकर आपको दिखा देते हैं, P4+5O2 गिव्स आउट 2P2O5। और इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है। आप लोग भी इसे घर पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें प्रीफिक्स लगाया जाता है, सफिक्स लगाया नहीं जाता है।